शुभ शगुन 23 अगस्त सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। देखिए मैंने इन्हें दवाइयां दे दी है, अभी आप लोग इन्हें आराम करने दीजिए। डॉक्टर ये ठीक तो हो जाएंगे ना? वेल, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मैं कल फिर आकर चेकअप कर लूंगा, तब तक ध्यान रहे, इन्हें कंप्लीट आराम की जरूरत है। जी थैंक यू। ताई ये सब क्या हो रहा है तू बताएगी मुझे? शगुन कुछ तो बताना बेटा। हाँ शगुन कुछ तो बता, क्या हो रहा है यहाँ पे? ब्रजेश फूफा जी जानबूझ के शुभसर के खाने में कोई दवाई डाल रहे थे। क्या? और जब फाइनली इनकी तबीयत खराब हो गई तो इस मौके का फायदा उठा के उन्होंने उनको पागल खाने भेज दिया। वो तो युग की मदद से बहुत मुश्किल से हम दोनों शुभसर को बचा के यहाँ लेकर आए हैं। पर भाभी भैया ठीक तो है ना? चिंता करने की कोई बात नहीं। और हाँ हमें ये बात सबसे छुपा के रखनी होगी कि शुभसर यहाँ। ठीक है बेटा। अगर ऐसा है तो शगुन सही कह रही है, शुभ की जान को खतरा है, हमें इसे यहीं पे रखना होगा। अच्छा आप लोग जाइए, बहुत रात हो गई है, मैं शुभसर के साथ यहाँ। देख बेटा तू भी थकी हुई है, थोड़ा आराम कर लेना और किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना बता देना। जी काकी। अच्छा ताई तू बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं हूँ तेरे साथ। ठीक है थैंक यू। सात बज गए हैं, दूध वाला होगा। भूपा जी आप? आप लोग बहुरिया बुरे वक्त पे कंधे पे रखा हुआ हाथ उस वक्त से लड़ने की हिम्मत देता है। बस हम तो ये सोच के ही यहाँ पर आए। हाँ शकुन अब तो तुम्हारी शादी भी तय हो गई है, तुम्हें शिकायत का मौका हम देना नहीं चाहते। शिकायत की कोई बात नहीं है, आप लोग आइए ना अंदर। रोना बंद करो। हमारे बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, ऐसे हालातों को झेलने के बाद एक इंसान को थोड़ा वक्त लगता है फिर से अपने पैरों पर खड़े होने में। कनिका जी समझ सकती हूँ। जब तक शुभ पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता हमें ऐसे लगता है कि शादी की जो तैयारियां हैं वो अभी के लिए रोक दे। इसकी कोई जरूरत नहीं, आप चिंता मत कीजिए। देखिए जो भी होगा सब अच्छा होगा। सही कह रही है राधा जी। बहुरिया हम समझ सकते हैं कि तुम पर क्या बीत रही होगी, पर बेटा एक बात याद रखना, अच्छे लोगों के साथ भगवान कुछ भी बुरा नहीं करने देते। जी दादी मुझे बप्पा पे पूरा भरोसा है। आप लोग बैठिए मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ।
मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। अब मैं आपको ले चलती हूँ वॉशरूम। नहीं नहीं, घर इतना थोड़ी ना बड़ा है कि मैं ढूंढ लूंगा। डोंट वरी। आप लोग बैठिए, मैं अभी आती। अरे बेटा तू कहाँ जा रही है, इतने दिन के बाद आई हूँ। जरा आओ बैठो पास। तो यहां छुपा के रखा है तुमने शुभ को। ऐसे कोई किसी को जगाता है क्या कि इंसान डर ही जाए? आपको पता है ना मेरी तबीयत कितनी खराब है, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। I'm really sorry. आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो बाथरूम जाना था ना। हाँ, वो मैं देखना बाला, इन्होंने तो मुझे डरा ही दिया। आपने इन्हें डराया क्यों? नहीं नहीं, मैं तो मैंने सोचा कि बीमार है तो मैं चेक कर लेता हूँ। बाथरूम बाहर है, जाइए। शुभ सर कहाँ? शुभ सर, शुभ को इन लोगों ने कहाँ गोल कर दिया है? वो पागल मिल क्यों नहीं रहा? तुमने उसे कहीं तो छुपा के रखा होगा, देख लेना, मैं उसे जल्द ही ढूंढ लूंगा। फूफा जी, आप चाहे कितना भी जोर लगा लें, लेकिन मैं आपको शुभ सर तक पहुंचने नहीं दूंगी।